हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको क्लियर होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो आज के लेक्चर में हम सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लेक्स बॉक्स का लेआउट मॉड्यूल से पहले चार और लेआउट होते हैं, जो कि ब्लॉक, इनलाइन टेबल, पोजिशन, वो आपको सबको पता ही है। तो फ्लेक्स बॉक्स को कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। से पहले HTML का स्टार्टअप टेम्पलेट लिख लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स कंट्रोल S से सेव करेंगे, div बना लेते हैं। div का सबसे पहले क्लास दे देंगे फ्लेक्स कंटेनर, कंट्रोल S से सेव, इसके अंदर div बना लेंगे, a लिख देंगे, बी लिख देंगे, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो अभी रैंडम में लिख रहा हूँ सी। फिर डी लिख देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अभी तो आपको पता ही है नॉर्मल दिख रहा होगा ब्राउजर, वो दिखा देता हूँ फिर भी देख लीजिए, ए बी सी डी। अब फ्लेक्स करते क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ स्टाइल लिखना पड़ेगा, स्टाइल डॉट फ्लेक्स स्लैश कंटेनर, डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स, फ्लेक्स के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स करना। बैकग्राउंड कलर कर देंगे लाइट ब्लू कर देते हैं। फिर डॉट फ्लेक्स स्लैश कंटेनर के अंदर जो डिव है उसको स्टाइल करते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका लाइट ग्रे, मार्जिन कर देते हैं 10 पिक्सल, पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज कर देते हैं 2, मतलब डबल, पहले जितना था उसका डबल हो जाएगा। अब कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, जस्ट अ मिनट, मुझे लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये फ्लेक्स बॉक्स, ऐसे डिजाइन हम कर सकते हैं। और क्या क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स में आपको बता देता हूँ। जैसे कि पेरेंट एलिमेंट इसमें हमारा डिव है, तो डिव को हमें फ्लेक्स क्लास देनी है। पेरेंट जो है उसको डिव को फ्लेक्स क्लास देनी है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन कर सकते हैं हम, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन मान लीजिए मैंने कर दी कॉलम, कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, तो अब ये ऐसा बन जाएगा। कॉलम करूंगा तो, और यहाँ पे रो करूंगा तो रिफ्रेश वैसा आ जाएगा। इसमें और भी होता है रो रिवर्स, कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे रिफ्रेश, तो अब ये रिवर्स हो गया। ऐसे कॉलम रिवर्स भी होता है, तो अभी रो ही कर देते हैं वापस इसको। देन नेक्स्ट हमारा होता है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप में क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये हमारे चार ही है, मैं इनको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, फ्लेक्स रैप रैप, कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, ये तो ऐसे रैप हो जाएगा। और कॉलम करूंगा तो भी देख सकते कैसे होगा, कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसको हटा दूंगा तो मेन आपको डिफरेंस पता लगेगा, ब्राउजर में जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो अभी ऐसा होगा। देन नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेक्स फ्लो। फ्लो के अंदर हम दोनों चीजें लिख सकते हैं, डायरेक्शन भी रैप भी। फ्लेक्स फ्लो मैं आपको दिखा देता हूँ, माफ कीजिएगा, इसको कमेंट आउट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और फ्लेक्स
फ्लो। तो इसमें हम पहले लिख सकते हैं जैसे कि कॉलम, देन हम अपना रैप का टाइप, रैप वैसे कि मुझे रैप देना, फ्लेक्स रैप भी होता है, नो रैप भी होता है, और जस्टिफाई कंटेंट भी हम इसमें कर सकते हैं, सेंटर साइड राइट देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रो कर देता हूँ, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, कंट्रोल एस से बराबर में जाएंगे, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं सब सेंटर में आ गए हैं। देन नेक्स्ट हमारा इसमें यही सब होता है हमारा इसमें फ्लेक्स के, इसमें मेन मेन सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने फ्लेक्स के बारे में क्या बताया। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑन indiancoding.com। इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी यू कैन पुट दैट इन क्यू एन ए सेक्शन। थैंक यू।